इसके बाद ड्यूटेरोस्टोम्स का दूसरा फाइलम आता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा, इनको एकॉर्न वर्म्स भी कहते हैं हम। तो वो एकॉर्न वर्म्स इनको कहते हैं क्योंकि उसके सर पे वो जो कैप पहना हुआ है वो उस बीज के कैप से रिजेंबल करता है। अच्छा जी, तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा एकॉर्न वर्म्स हैं। ये इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स के दरमियान वाली शक्ल है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट जितने फाइला अब तक आपने पढ़ लिए, आगे कॉर्डेट आएंगे तो उनके दरमियान के फॉर्म ये वाली है। कॉर्डेट्स के साथ इनकी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इनको बाज दफा प्री कॉर्डेट्स भी कहा जाता है कि कॉर्डेट से पिछली वाली स्टेज। ड्यूटेरोस्टोम है और मरीन वर्म्स हैं, समंदर में पाए जाते हैं, सॉफ्ट बॉडीड हैं, यानी कि इनकी बॉडी में कोई सख्त स्ट्रक्चर हड्डियां वगैरह मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल में बलैनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस आता है। बलैनोग्लॉसस ऊपर दिखाया हुआ है, सैकोग्लॉसस नीचे दिखाया हुआ है। बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। आगे वाले हिस्से को प्रोबोसिस कहते हैं। प्रोबोसिस का लफ्ज मतलब होता है सूंड। तो अगला हिस्सा, मुंह से अगला हिस्सा सूंड कहलाता है। फिर नीचे गर्दन वाला इलाका है, इसको कॉलर कहेंगे। और सबसे एंड में ट्रंक है। ट्रंक से मुराद मेन बॉडी, जो ये जो मेन बॉडी होती है उसको बॉडी ट्रंक कहते हैं, मतलब खाना या पेटी जिसके अंदर सारा कुछ बंद करके रखा हुआ है। तो सिलोमिक पाउचेस हैं हर सेगमेंट के अंदर, यानी कि थोड़ी सी सिलोम का हिस्सा सर में होगा, प्रोबोसिस में होगा, थोड़ा सा कॉलर में होगा और ट्रंक में भी होगा। यूनिसेलुलर एपिडर्मिस है जो अपने इर्द गिर्द म्यूकस प्रोड्यूस करती है। और सीधा सीधा सा डाइजेस्टिव ट्रैक है जो पूरी बॉडी में चलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मीडियन डॉर्सल वेसल है और वेंट्रल डॉर्सल मीडियन वेंट्रल वेसल है, ठीक है। अब डॉर्सल का मतलब है कि कमर के रुख चल रही होगी, वेंट्रल का मतलब है कि पेट के रुख चल रही होगी, मीडियन का मतलब है कि साइडों पे नहीं चल रही बल्कि बिल्कुल दरमियान से जा रही है, ठीक है। वेंट्रल तो है, वेंट्रल यहां पे से भी कोई चीज चल रही हो तो वेंट्रल ही कहलाएगी, लेकिन चूंकि वो सेंटर से जा रही है इसलिए उसको कहा है मीडियन डॉर्सल वेसल और मीडियन वेंट्रल वेसल, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल स्लिट्स पर मुश्तमिल है। स्लिट कहते हैं जो पतला लंबा सा सुराख बनाया हुआ हो, कट लगाया हुआ हो आपने। तो आप ये कॉलर के पीछे देखें तो ये कट्स लगे हुए हैं, अंदर सुराख बने हुए हैं दोनों साइडों पे, लेफ्ट राइट साइड पे दोनों तरफ होंगे, और नहीं सॉरी डॉर्सल सरफेस पे हैं, कट्स बने हुए हैं और इनके जरिए से पानी बॉडी में एक्सचेंज होता रहता है और वहां से गलफड़े हैं तो वो सांस ले सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए ग्लोमेरुलस है इनके पास, सिंगल ग्लोमेरुलस है और वो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड है, तो वो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल्स कलेक्ट करके बॉडी से बाहर फेंक सकता है। नर्वस सिस्टम इनका है सब एपिडर्मल प्लेक्सस। प्लेक्सस कहते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स को। सब एपिडर्मल का मतलब है कि एपिडर्मिस के नीचे, स्किन के नीचे एक वो पूरा जाला बिछा हुआ है न्यूरॉन्स का जो बॉडी को कंट्रोल करता है।